दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंथ्यूब चैनल पे सेवा शिक्षा चयन आयोग जो पी की भर्ती कराएगा सिक्स एट जूनियर की भर्ती कराएगा अपर जूनियर की कराए सारी मतलब भर्तियां मैं टी जी तक सारी की सारी यही कराएगा ठीक है तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब है पी से ज़्यादातर देखो यूपी में सिक्स की सीधी वैकेंसी निकलती नहीं है वन टू फाइव की वैकेंसी निकलती है अब वो भी एकदम से ब्रेक लग गया है पहले बीच में भर्ती आ भी गई थी अब तो भर्ती आ भी नहीं रही ठीक अब देखो यू पी टाइटा अगर दो हज़ार इक्कीस दिया हो तो आपकी जो मार्कशीट है वो बनके तैयार हो गई है डाइट से आप ले सकते हो जो आपके जिले की डाइट हो और आपके ज़िले की डाइट नहीं देखो सुनो एक बात आपने जहाँ पेपर दिया हो उसी की डाइट से मिलेगा आपको ठीक है वहीं पर उसके डाइट पे जाना और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ले जाना तब आपको मिल जाएगा मैं अपनी खुद की मार्कशीट दिखा दूंगा और क्या मेरे को मार्कशीट मिली या नहीं मिली मैं सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगा देखो मेरी मार्कशीट क्या है दिखा देता हूँ देखो ये पहले जो परीक्षा कराती थी, थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी पी एन पी अब ये तो हट गई है ये तो नल एंड बॉर्ड हो गई है ये सिर्फ बी टी सी तक सिमट गई है तो अब ये नहीं कराएगी नया सेवा शिक्षा चैन आएगी लेकिन जो मार्कशीट पे जो सारा का सारा है वो इसी का है ठीक है तो जैसे ये मेरी मतलब स्क्रीन शॉट था मार्कशीट का तो मेरी है बी एड तो मेरे को मार्कशीट में गया तो मेरे को मार्कशीट नहीं दी गई ठीक है जो बी टी सी हैं जो छात्र डी एल एड हैं उनको मार्कशीट दी जा रही है तो वो अपनी मार्कशीट वहाँ जा कर ले सकते हैं अदरवाइज और किसी को मार्कशीट नहीं दी जा रही ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ बी टी सी डी एल एड वालों को मार्कशीट दी जा रही है ठीक है वन टू फाइव के लिए बाद बाकी किसी को मार्कशीट नहीं दी जा रही और अगर जैस जिस प्रकार से कोई बी एड वाला है तो उसको मार्कशीट नहीं दी जाएगी ठीक तो ये मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ दी जा रही है तुम्हारी बीटीसी वालों को तो वहाँ जाके ले सकते हैं और अपनी मार्कशीट ले लो बहुत सारे गएंगे क्या करेंगे मार्कशीट लेके जब भर्तियाँ ही नहीं आती तो तो भर्तियाँ आए ना आए लेकिन मार्कशीट लेके तो रख लो कभी भविष्य में कुछ काम पड़ सकता है ठीक है तो ये वन टू फाइव की भर्ती आने की चांस है तो अपनी मार्कशीट लेके रख लीजिए आप और ज़्यादातर कंडीशन में वन टू फाइव की भर्ती आएगी जो चौबीस हज़ार बाकी बची हुई हैं अड़सठ हज़ार पाँच सौ में से वो उसी में से भर्ती चाहे दस हज़ार दें चाहे पाँच हज़ार दें चाहे बीस हज़ार दें वही भर्तियाँ आपकी आने वाली हैं लेकिन दो हज़ार पच्चीस में ठीक है चौबीस में आपका यू टेट होने वाला है ठीक है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो चैनल सब्सक्राइब कर लो धन्यवाद